Hello friends, welcome to our channel. So this is an another video of short mock test, and in this video I'm going to provide you 50 questions which is important for your MNS exam, and these questions are absolutely important for your MNS exam. After watching this complete video, you are going to fall in love with these questions, and I hope you like these questions okay so let's get start. PDF of this video will be provided within two or three days on telegram channel. So join telegram channel search MNS prep on your telegram channel and or I'll provide you link in the description box. So let's get start. Question number first now you have to choose the option that is nearest to the underlying word that is synonyms you have to find the correct meaning of this underlying word. okay So question number first is heat Heathrow airport is absolutely chaotic. वॉट इज द मीनिंग ऑफ केयटिक सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डिसगेनाइज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर और वी कैन से डिसऑर्डर्ड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर टू आई रियलाइज्ड आई हैड टू सरमाउंट द लैंग्वेज बैरियर सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ सरमाउंट करेक्ट आंसर इज ओवरकम ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर वेरी इम्पॉर्टेंट एंड इसका जो फ्रेजल वर्ब है वो भी इम्पॉर्टेंट है दैट इज गेट ओवर गेट ओवर और वी कैन से कंक्योर सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री शी अप्रेडिड द लिटिल गर्ल हु गॉट फ्राइटेंड सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ अप्रेडिड करेक्ट आंसर इज स्कॉलडेड ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर स्कॉलडेड या फिर डांटना हिंदी में पूछे तो और इसके जो सिनेम्स हैं दैट इज रेपरीमेंट रेप्रीमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट वर्ड reprimand reprimand and rebuke rebuke next question number 4 scientists were able to quickly quash the outbreak through a new immunization so yesterday in 50 mcqs of synonyms i told the meaning of this quash so the correct answer of this question is reject option c is the correct answer क्वैश का करेक्ट आंसर है रिजेक्ट और कैंसिल कैंसिल रिपील मतलब वापस करना रिजेक्ट करना ओके ये सारे हैं क्वैश इज इंपॉर्टेंट वर्ड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ द फैमिली क्लेम्स एंड ऑगस्त लाइनेज सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ ऑगस्ट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मेजेस्टिक वेरी इंपॉर्टेंट मैजेस्टिक या फिर रिस्पेक्टिव या फिर एमिनेंट 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 का एक और सिम है दैट इज प्रोमिनेंट और वी कैन से रिस्पेक्टेड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एंटोनियम्स यू हैव टू फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट अपोजिट वर्ड फॉर द अंडरलाइन वर्ड ओके सो फाइव फाइव क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट से आइडिया हो जाएगा अब तक मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए हैं इंग्लिश में जो क्वेश्चन हैं वो आपके हर टॉपिक से हर सब टॉपिक से एक्चुअली फाइव फाइव क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड सारे इंपॉर्टेंट है इस मॉक टेस्ट में हर किसी को इंपॉर्टेंट मैं नहीं बोलूंगी ठीक है सो एंटोनियम्स यू हैव टू फाइंड आउट द अपोजिट वर्ड क्वेश्चन नंबर सिक्स इज कीप द गुड मेमोरीज इन योर हार्ट एंड जेटिसन द बेड वंस जेटिसन इज

तो इसका जो एंटोनियम हो जाएगा अपोजिट वर्ड ना यू कैन इजीली फाइंड आउट दैट इज एक्सेप्ट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर एक्सेप्ट या फिर एक्सपेक्ट नॉट एक्सपेक्ट एक्सेप्ट करना ठीक है मानना नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेवन द मैन डिसअप्रूव्ड ऑफ हिज स्पॉइल्ड सन्स प्रोडिगल हैबिट्स वॉट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडिगल सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी दैट इज इकोनॉमिकल नाओ कल मैंने ना आपको मीनिंग्स बताए थे इकोनॉमिकल थ्रिफ्टी परसिमोनियस तो इसका मतलब होता है कंजूस एंड प्रोडिकल का मतलब होता है वेस्टफुल एक्स्ट्रावेगेंट एंड इम इम्प्यूडेंट तो ये सारे सिनोनियम्स हैं प्रोडिकल के ओके okay, और इसका एंटोनियम हो जाएगा इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इकोनॉमिकल जो के जो बाकी सीनेम्स हैं दैट इज थ्रिफ्टी थ्रिफ्टी एंड पैसीमोनियस पेसीमोनियस इन सभी का मतलब होता है कंजूस स्क्रिम्पिंग स्क्रिम्पिंग भी एक वर्ड है सॉरी एस के आर आई एम पी आई एन जी स्क्रिम्पिंग पेसीमोनियस थ्रिफ्टी ये सारे सिनोनियम्स हो जाएंगे इकोनॉमिकल के और जो प्रोडिगल का मतलब है दैट इज सिनियम्स ऑफ प्रोडिगल मतलब वेस्टफुल खर्चीला है ना वेस्टफुल एक्स्ट्रा वेगेंट वेरी इंपॉर्टेंट काफ़ी बार पूछा गया है इसलिए इम्पॉर्टेंट है एक्स्ट्रा वेगेंट एक्स्ट्रा वेगेंट तो आप इजिली लर्न कर सकते हो वेस्टफुल मतलब एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है ठीक है ऐसे आप लर्न कर सकते हो प्रोडिकल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट तो प्रोडिकल वर्ड्स जो हैं थोड़े आपको हट के दिए जाएंगे लेकिन उनकी जो मीनिंग है दैट इज़ वेरी सिंपल लाइक आपने इससे पहले जो क्वेश्चन है जेटिसन जेटीसन का मतलब हो गया रिजेक्ट करना है ना और उसका एंटोनियम हो जाएगा एक्सेप्ट नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर एट द नोवल इज हैवी एंड प्लॉडिंग विद लिटिल एक्साइटमेंट इन इट इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो वर्ड है वो नेगेटिव सेंस दे रहा है ना जो नोवेल है वो कैसी है हैवी है एंड प्लॉडिंग है विद लिटिल एक्साइटमेंट मतलब एक्साइटमेंट उसमें कम है सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लॉडिकल प्लॉडिकल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्लो है ना मतलब लिथार्जिक वे में यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है बहुत ही स्लो लिटिल एक्साइटमेंट के साथ वैसे प्लॉडिकल का जो एग्जैक्ट मीनिंग है मतलब स्लो चलना जल्दी जल्दी पैरों से स्लोली चलना सो so, इसका जो एंटोनियम हो जाएगा दैट इज पॉजिटिव ऑफ कोर्स दैट इज इलेक्ट्रीफाइंग ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर नाइन आई फाउंड द प्रोफेसर टीचिंग स्टाइल टू बी ल्यूसिड एंड क्लियर सो ल्यूसिड की भी मीनिंग मैंने आपको बताया ल्यूसिड क्लियर विविड ये सारे सिनेनियम्स हैं ल्यूसिड के वहीं इसका जो अपोजिट मीनिंग हो जाएगा दैट इज वेग ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर वेग है ना वेग मतलब अनक्लियर क्लाउडी क्लाउडी एंड अनक्लियर अनक्लियर है ना इनडेफिनिट नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर टेन मैनी लोथेड हर मैथ होमवर्क बट स्टेड अप ऑल नाइट टू फिनिश इट सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी चेरिस्ट लोथेड मतलब लिथार्जिक है ना तो इसका एंटोनियम हो जाएगा चेरिस्ट एक्साइटेड चार्मिंग ये सारे सिनोनियम्स हैं एंटीसिपेटेड मतलब हो गया एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड है एक्सपेक्टेड नेक्स्ट अनदर फाइव क्वेश्चन फ्रॉम एरर सो फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर इफ़ देर इज नो मिस्टेक मार्क द आंसर एज डी दैट इज़ नो एरर सो क्वेश्चन नंबर इलेवन ये एक कम्प्लीट सेंटेंस है एंड उसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और आपको फाइंड आउट करना है कि इस सेंटेंस इस कम्प्लीट सेंटेंस के किस पार्ट में एरर हैं तो वो ऑलरेडी मार्क है ए बी सी एंड डी सो so सेंटेंस है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर माई लॉन्ग अवेटेड वेकेशन ऑप्शन डी इज नो एरर सो वेरी इंपॉर्टेंट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सो ऑप्शन बी में एरर है लुकिंग फॉरवर्ड टू आता है एंड ये जो है लुकिंग फॉरवर्ड टू एक ये एक, 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 एक फ्रेजल मीनिंग है जिसका मतलब होता है एक्साइटेड एक्साइटेड समथिंग दैट इज हैपनिंग इन फ्यूचर गोइंग टू बी हैप्पन इन फ्यूचर सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी बी में एरर है लुकिंग फॉरवर्ड फॉर नहीं आएगा टू आएगा ठीक है लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट इज एक्साइटेड क्लियर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व डू द लिलीज इन योर गार्डन स्मेल मोर स्वीटली दैन दोज इन आरस ऑप्शन डी इज़ नो एरर सो इन दिस सेंटेंस विच पार्ट ऑफ द विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेन्स एरर सो द करेक्ट आंसर यू कैन सी इजिल दैट इज ऑप्शन डी ऑप्शन बी में एरर है सॉरी ऑप्शन बी में एरर है एरर क्या है मोर स्वीटली अब स्वीट स्वीटर होगा ना हमेशा हम कंपैरिजन जब भी, भी करते हैं हम स्वीटर आर डिग्री लगाते हैं कंपैरिजन डिग्री लगाते हैं और यहाँ पर लिखा है स्वीटली तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर क्या होना चाहिए स्वीटर ओके सो ऑप्शन बी में एरर है डू द लिलीज इन योर गार्डन स्मेल मोर स्वीटर दैन दोज इन आर्स क्वेश्चन नंबर थर्टीन द सीनरीज ऑफ सिक्किम इज वेरी ब्यूटिफुल एंड ब्रेथ टेकिंग ऑप्शन डी कंटेंस नो आर सो इन विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेंस आर सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ऑप्शन ए में आर है द सीनरीज नहीं होगा सीनरीज नहीं द सीनरी द सीनरी ऑफ सिक्किम इज वेरी ब्यूटिफुल एंड ब्रीथ टेकिंग सो यहां पर जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी में एरर हो जाएगा सीनरी होगा एस सी ई एन ई आर वाई ओनली सीनरी ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आई नो अ टीचर यू आर रेफरिंग टू सो रेफरिंग के बाद एक तो प्रपोजिशन टू आएगा ये आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट इसके किस पार्ट में एरर है सो ऑप्शन बी में एरर है आई नो द टीचर बिकॉज यहाँ पर एक पर्टिकुलर टीचर की बात करी गई है जिसे वो रेफर करवा रहे हैं ठीक है सो आई नो द टीचर यू आर रेफरिंग टू जिसके बारे में आप बात कर रहे हो उस टीचर को मैं जानता हूँ सो ऑप्शन बी कंटेन्ज एरर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन समन हैज सेट दैट टू डाई विद ऑनर इज बेटर दैन लिव विद डिसऑनर सो किस पार्ट में सेंटेंस में एरर है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इसके किसी भी पार्ट में एरर नहीं है दिस सेंटेंस इज एरर लेस सम वन हैज सेट दैट टू डाई विद ऑनर इज बेटर दैन लिव विद डिसऑनर नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यू हैव टू फाइंड आउट द वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिविन ग्रुप ऑफ वर्ड्स और द सेंटेंस सो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन फ्रॉम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन वन हु इज नॉट ईजीली प्लीड बाई एनी थिंग जो कि आसानी से ना माने ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फास्टिडियस वेरी इंपॉर्टेंट फास्टिडियस ओके मेड इन हो गया एक मेड इन मतलब फर्स्ट टाइम कुछ भी चीज़ पहली बार होती है लाइक मेड इन स्पीच स्पीच डिलीवर्ड फर्स्ट टाइम है ना दैट इज नोन एज मेड इन एंड एक्सटेमपोर हो गया ऐसी स्पीच जो कि विदाउट प्रिपरेशन के दी जाती है दैट स्पीच इज नोन एज एक्सटेम्पोर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन अ फोर्ट्रेस ऑन अ कमांडिंग हाइट फॉर डिफेंस ऑफ अ सिटी इज कॉल्ड ऐसा किला जो कि एक ऊंचाई पर बनाया जाता है तो उस किले को क्या बोलते हैं उस फोर्ट को क्या बोलते हैं सो दिस टाइप ऑफ फोर्ट इज नोन एज सिटेडल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट ओके जनरली एम एग्जाम में बहुत ही इंटरेस्टिंग वन वर्ड टूटिशन कभी पूछ ले जाते हैं सो दिस इज सिटैडल नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर एटीन अ पर्सन हु हेल्प्स अ स्ट्रेंजर टू हेल्पलेस पर्सन इन डिफिकल्टीज ऐसे पर्सन जो कि स्ट्रेंजर्स की हेल्प करते हैं डिफिकल्टीज में ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं सो द वन वर्ड फॉर दिस इज समारिटियन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर समैरिटियन समैरिटियन से साउंड आ रहा है संभालना किसी को है ना डिफिकल्टीज में किसी की सहायता करना उसको संभालना दैट इज समारिटियन सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यू कैन ईजिली लर्न दिस ट्रिक नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर नाइनटीन अ प्लेस दैट प्रोवाइड शेल्टर अ प्लेस दैट प्रोवाइड शेल्टर इज नोन एज एस्लम ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर एसलम इज बेसिकली अ प्लेस वेयर रेफ्यूजी रेफ्यूजीज आर कैप्ड है ना शरणार्थियों को जहां पर रखा जाता है उस उस जगह को बोलते हैं एसलम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी लीव और रिमूव फ्रॉम अ प्लेस कंसिडर्ड डेंजरस येस yes, इससे पहले जो मैंने आपको मॉकटेस्ट uh, प्रोवाइड किया था साइंस में उसमें करेक्शन कर लेना इंक्रीज़ मेरे को बोलना था बट मैंने डिक्रीज पर टिक किया था जल्दी जल्दी में तो आप उसे करेक्ट कर लेना बाई एडिंग इम्प्योरिटीज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर इंक्रीजेज ओके सो कम टू द क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी लीव और रिमूव फ्रॉम अ प्लेस कंसिडर डेंजरस सो द वन वर्ड फॉर दिस इज एक्स एक्सकोवेट ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ठीक है निकालना बाहर डिफिक जब भी डेंजरस सिचुएशंस होती हैं लाइक आपने आर्मी ऑपरेशन देखे होंगे फ्लडेड रीजन में वो एक्सवेट करते हैं लोगों को वहाँ से ठीक है नेक्स्ट इज़ वर्ड एंड क्लॉज से क्वेश्चन है आपको अप्रोप्रियट वर्ड फाइंड आउट करना है और ब्लैंक्स में फिल करना है सो फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड आंसर एंड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस सो वायलिन इज डैश द मोस्ट चैलेंजिंग इंस्ट्रूमेंट टू प्ले सो वॉट इज द करेक्ट वर्ड फॉर टू कंप्लीट दिस सेंटेंस सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर वॉयलिन इज नोन टू बी द मोस्ट चैलेंजिंग इंस्ट्रूमेंट टू प्ले है ना वर्ड एंड क्लॉज भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इससे क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू द कैंपर्स डेस देयर टैंट्स एट द बेस ऑफ द माउंटेन दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट सो so, इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज पिच्ड ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर पिच करना मतलब खोद के किसी चीज़ को लगाना और बेसिकली ये जो वर्ड है पिच्ड हम वो टेंट के लगाने को ही बोलते हैं तो इसमें जो करेक्ट वर्ड आएगा वो ऑप्शन सी आएगा सो द कैंपर्स पिच्ड देयर टेंट्स एट द बेस ऑफ द माउंटेन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री द टू बॉयज लुक्ड सो आई दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डैश बिटवीन दैम सो यू कैन इजिल अंडरस्टैंड देंटेंस द टू बॉयज लुकड सो आई लाइक दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दोनों बॉयज इतने सेम दिखते हैं कि उन दोनों में फर्क करना मुश्किल है सो डिस्टिंग्विश बिट्वीन दैम नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर वु डू माइंड डैश टू द प्रिंसिपल हाउ द ट्रबल स्टार्टिड सो विच इज द करेक्ट वर्ड सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी एक्सप्लेनिंग ना यू हैव टू कमेंट मी योर स्कोर इन द कमेंट बॉक्स आपने इंग्लिश में कितना स्कोर किया है ठीक है वैसे कई बच्चे बड़े छुपे रुस्तम होते हैं अपने स्कोर्स को बताते नहीं इजीली सो वु डू माइंड एक्सप्लेनिंग टू द प्रिंसिपल हाउ द ट्रबल स्टार्टेड है ना एक्सप्लेन करना डिस्क्राइब करना कि कैसे ट्रबल स्टार्ट हुआ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव वन द बस वॉज एट फुल स्पीड इट्स ब्रेक फेल्ड एंड एन एक्सीडेंट वॉज डैश सो इसमें जो वर्ड है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑब्वियस इसमें ऑप्शन ए आएगा दैट इज़ इन एविटेबल मतलब अनअवॉइडेबल जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते मतलब यहाँ पर अनअवॉइडेबल ऐसा पूर्वानुमान हो रहा है कि अगर बस की जो इतनी स्पीड पर है तो इट इज़ ऑब्वियस कि उसका एक्सीडेंट होना तय था क्योंकि इतनी स्पीड में बस थी और ब्रेक फेल हो गई तो आप एक्सीडेंट से कोई नहीं रोक सकता सो व्हेन द बस वाज एट फुल स्पीड इट्स ब्रेक फेल्ड उसके ब्रेक फेल हुए और तभी पता चल गया दैट एन एक्सीडेंट वॉज इन एविटेबल दैट इज़ अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट होकर ही रहेगा ठीक है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर now choose the most appropriate meaning for the given idiom you have to find out the correct meaning for the particular idiom so question number 26 is a good egg a good egg ka correct answer kya hoga a good egg matlab a good and likeable person so option b is the correct answer aap easily learn kar sakte ho, a good person that's it a good person that is a good egg okay नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन इन टू माइंड्स इन टू माइंड्स इसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा मतलब माइंड तो एक ही है लेकिन वहां पर जो डिसीजन है वो अनक्लियर है है ना सोच नहीं पा रही ये करूं या वो करूं सो इन टू माइंड्स दैट इज अनडिसाइडेड टू बी अनडिसाइडेड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट ड्रॉ द लॉन्ग बो वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट ड्रोंग द लॉ लॉन्ग बो सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एक्सकरबेट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बड़ा चढ़ाना ठीक है किसी चीज को किसी बात को बड़ा चढ़ा के बोलना दैट इज टू एक्सकरबेट टू ड्रॉ द लॉन्ग बो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन रेन इन द सेम ग्रूव I hope you like the level of questions. Please let me know in the comment box. Questions kaise lage aapko? Question number 29. Rain in the same groove. That is moved in harmony. Saath saath chalna. Moved in harmony. Next is question number 30. Wheel and woe. All you know wheel and woe. That is joy and sorrow. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम स्पेलिंग यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिन फोर ऑप्शंस सो वॉट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ फेबररी मोस्टली बच्चे अभी तक फेबररी के स्पेलिंग्स में मिस्टेक करते हैं सो so फेबररी की जो करेक्ट स्पेलिंग है दैट इज ऑप्शन डी एफ ई बी आर यू ए आर वाई सो फैब फैब तो सबको लिखना आता है ना एफ ई बी देन यहाँ पर मिस्टेक होगी आर यू ए आर वाई आर यू ए आर वाई वेरी इंपॉर्टेंट बस ये आपको ध्यान रखना है ठीक है एफ ई बी आर यू ए आर वाई फैब्ररी नेक्स्ट इज बुटीक वॉट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ बुटीक सो बुटीक वेयर फैशनेबल क्लोथ आर कैप्ड दैट इज नोन एज बुटीक सो जो इसकी करेक्ट स्पेलिंग है दैट इज ऑप्शन बी बी ओ यू टी आई क्यू यू ई है ना सब में आपको देखा होगा लास्ट में टी आई क्यू यू ई ये सब में कॉमन है जैसे ये गलत हो जाएगा बुटीक जैसा हम बोलते हैं वैसा नहीं है जैसे लेफ्टिनेंट जैसा हम बोलते हैं वैसी इसकी स्पेलिंग नहीं है एल आई ई यू टी ई एन ए एन टी लेफ्टिनेंट ठीक है सो बुटीक की जो करेक्ट स्पेलिंग है बट आपको स्टार्टिंग में याद रखनी है बी ओ यू आएगा कभी आपको दे देंगे बी यू ओ ठीक है कभी आपको दे देंगे बी ओ यू आई टी आई तो या आपको याद रखना है जो करेक्ट स्पेलिंग है दैट इज बी ओ यू पहले बी आएगा सॉरी पहले यू आएगा देन यू आएगा बी तो पहले आएगा ठीक है बी ओ यू टी आई क्यू यू बुटीक नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री विशियस विशियस का करेक्ट मीनिंग होता है क्रिअल ठीक है क्रीअल नाउ इसका जो करेक्ट स्पेलिंग है दैट इज वी आई सी आई ओ यू एस विशियस दैट इज ऑप्शन ए विशियस इज़ द करेक्ट स्पेलिंग वी आई सी आई ओ यू एस वेरी सिंपल वी आई सी आई ओ यू एस दैट्स एट वी आई सी आई ओ यू एस अच्छा अगर आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स लर्न नहीं होती है ना ऐसा नहीं है लिख लिख के अपना टाइम वेस्ट करो उस स्पेलिंग उस मिस्टेक को दस बार पंद्रह बार रिपीट करो एक बार फॉर्मेट में आ जाएगी ना आपके टंग में फिक्स हो जाएगी तो आप नहीं भूलोगे उसे जैसे लेफ्टिनेंट है तो आपको उसे ल्यूटिनेंट पढ़ना है एल आई ई यू टी ई एन ए एन टी तो ईजिली लर्न हो जाएगी ओके नेक्स्ट इज एलिजियंस एलिजियंस की करेक्ट स्पेलिंग क्या है सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन डी ऑप्शन डी इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एलिजियंस ए डबल एल ई जी आई एन ए एन सी एलिजियंस एलिजियंस का मतलब होता है अलाइन से आ रहा है अलाइन अलाइन का मतलब होता है लॉयल्टी fidelity फिडेलिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वर्ड है ना फेथफुलनेस मतलब ईमानदार सो so, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज डी यहाँ पर ए डबल एल ई जी आई एन ए एन सी ई सॉरी जी आई ए एन सी ई इंपॉर्टेंट है ये स्पेलिंग नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव बायोन्ट एक थ्रस्ट लगता है किसी भी फ्लोटिंग बॉडी पर दैट इज नोन एज बायोड फोर्स सो बायोन्ट की जो करेक्ट स्पेलिंग है इनमें से कौन सी है सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी जैसे बुटीक में आपने देखा होगा बी ओ यू आता है ठीक है बी ओ यू टी आई क्यू यू है ना टी आई क्यू यू यहाँ पर बायट में बी यू पहले आएगा देन ओ बी यू ओ वाई एन टी कन्फ्यूजिंग है ना बहुत ज़्यादा सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर बी यू ओ वाई एन टी बायट ठीक है लर्न कर लेना बी ओ बी यू ओ वाई एन टी बायोट नेक्स्ट इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट प्रिपोजिशन प्रपोजिशन ओके सो फर्स्ट वन इज जनता कॉलेज इज द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन डेज झांसी झांसी में जो जनता कॉलेज है वो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन है तो अभी मैंने क्या पढ़ा झांसी में है ना सो इन आएगा सो जनता कॉलेज इज द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन इन झांसी सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर जब भी एक छोटी सी कोई सेंटर हो किसी बड़ी सी सिटी में सो हम वहां पर हम क्या यूज करते हैं इन ऑलवेज ठीक है देयर इज अ स्कूल कैंटीन इन अ स्कूल कैंपस तो इन यूज करेंगे ठीक है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन द फ्लाइट विल लैंड डैश सिक्स दिस इवनिंग सो वॉट इज द करेक्ट प्रोपोजिशन सो so, टाइमिंग यहाँ पर दिया है सिक्स इन द इवनिंग सो सिक्स दिस इवनिंग सो हमेशा टाइमिंग के साथ हम एट प्रिपोजिशन यूज करते हैं है ना एट सिक्स ओ क्लॉक बोलते हैं ना एट सिक्स ओ क्लॉक एट नाइन ओ क्लॉक सो द फ्लाइट विल लैंड एट सिक्स इवनिंग एंड यहाँ पर आएगा इन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी एट यू आर फॉर्चुनेट डैश हैविंग एन इंटेलिजेंट एंड ओबीडियट सन सो यू आर फॉर्चुनेट डैश हैविंग एन इंटेलिजेंट एंड ओबीडियट सन सो इसमें करेक्ट प्रपोजिशन कौन सा यूज़ होगा दैट इज़ ऑप्शन सी ऑलवेज हम मैक्सिम केसेज में फॉर्चुनेट के साथ इन यूज़ करते हैं प्लीज़ रिमेंबर दिस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू आर फॉर्चुनेट ऑफ नहीं आएगा ऑफ गलत हो जाएगा यू आर फॉर्चुनेट इन हैविंग एन इंटेलिजेंट एंड ओबीडियट सन तुम बहुत भाग्यशाली हो किस में है ना हम बोलते हैं ना मैं भाग्यशाली हूँ बहुत इस चीज़ में कि मेरे साथ ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से होती है सो so, मैं हमेशा याद रखना फॉर्चुनेट मैं ऑप्शन बी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर इन यूज होगा ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन वी आर डिसअपॉइंटेड डैश द एग्जाम रिजल्ट वी आर डिसअपॉइंटेड डैश द एग्जाम रिजल्ट करेक्ट प्रपोजिशन कौन सा यूज़ होगा सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी ऑप्शन डी इज द करेक्ट प्रपोजिशन वी आर डिसअपॉइंटेड अबाउट द रिजल्ट एग्जाम रिजल्ट सो डिसअपॉइंटेड हमेशा डिसअपॉइंटेड के साथ अबाउट यूज होता है ठीक है फिक्स प्रपोजिशन है वी आर डिसअपॉइंटेड अबाउट है ना डिसअपॉइंटेड किसी चीज के बारे में ना समथिंग सो अबाउट यूज होगा नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी लेटेस्ट सिट डाउन डैश द शेड ऑफ अ ट्री फॉर सम टाइम इसमें तो बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करेंगे लेकिन ये बहुत सिंपल है समझना इसमें लिखा है कि लेटस्ट सेट डाउन डैश द शेड ऑफ द ट्री फॉर सम टाइम सो शेड ऑफ़ द ट्री बोलते हैं न पेड़ की छाँव में बैठ जाते हैं तो मैं यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है तो पेड़ की छाँव में आएगा ना यहाँ पर हम बिलो और बिनीथ यूज़ नहीं करेंगे इनसाइड तो कैसे भी यूज़ नहीं होगा इनसाइड का मतलब क्या पेड़ के अंदर घुस के थोड़ी ना बैठना है है ना पेड़ के नीचे बैठना है पेड़ की छाँव में बैठना है बल्कि नीचे भी नहीं बैठना अगर नीचे होता तो यहाँ पर बनीत आ जाता बिनीत का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ कवर्ड बाय सम अनदर थिंग लाइक बिनीत माय मोबाइल फ़ोन इज बिनीत द पिलो सो पिलो के अंडर है ना उसे टच हो रहा है सो so जब भी हम जो टच में सर्फेस के आती है दैट इज़ नोन एज हम वहाँ पर यूज़ करते हैं बिनीत बिनीत ठीक है बिलो इसलिए नहीं आएगा लाइक like हम पेड़ की छाव में बैठे हैं तो पेड़ के लेवल पे ही तो बैठे हैं जैसे ये पेड़ है ठीक है हम यहाँ इसके छाव में बैठे हैं लाइक like हम यहाँ बैठे हैं है ना तो बिलो का मतलब हो गया है इसका जो लेवल है वो और इससे नीचे है मतलब यहाँ थोड़ा ना बैठना है इसके नीचे थोड़ा ना बैठना है सो so यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी दैट इज़ सिट डाउन इन द शेड ऑफ अ ट्री फॉर सम टाइम नेक्स्ट इज कंजक्शन यू हैव टू फाइंड आउट द अप्रोप्रिएट कंजक्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स सो क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन फ्रॉम कंजक्शन आई विजिट द ग्रैंड कैनन डैश आई गो टू एरिजोना सो आई विजिट द ग्रैंड कैनन कब वैन आई वैन आए या वेनेवर सो आई विजिट द ग्रैंड कैनन इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज़ बी वेनेवर जब भी मैं एरिजोना आता हूँ तो मैं कहाँ विजिट करता हूँ ग्रैंड कैनन में सो दिज आई विजिट ग्रैंड कैनन वेनेवर आई गो टू एरिजोना नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू दिस इज द प्लेस डैश वी स्टेड लास्ट टाइम वी विजिटेड दिस इज द प्लेस डैश वी स्टेड लास्ट टाइम वी विजिटेड सो ये वही प्लेस है ना सो so, यहाँ पर क्या यूज करेंगे वेयर दिस इज द प्लेस वेयर वी स्टेड सो वेयर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री कंजक्शंस होते हैं जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री डैश यू विश फर्स्ट प्लेस यू विल रिसीव अ प्राइज सो करेक्ट प्रपोजिशन सॉरी कंजक्शन कौन सा होगा इनमें से सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इफ यू विन फर्स्ट प्राइज फर्स्ट प्लेस और प्राइज यू विल रिसीव अ प्राइज अगर आप फर्स्ट पोजिशन पर आते हो तो आपको प्राइज मिलेगा इफ है ना कंडीशन है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर आई कुड नॉट गेट एट अ सीट डैश आई केम अर्ली तो यहाँ पर जब भी सेंटेंस में पहला वाला नेगेटिव हो बाद वाला पॉजिटिव हो तो इन दोनों को हम हमेशा दो से जोड़ते हैं है न आई कुड नाट गेट अ सीट मुझे सीट नहीं मिली बल्कि मैं जल्दी आया था सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर दो आई कुड नाट गेट अ सीट दो आई केम अर्ली नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव i plan to take my vacation dash in june dash in july so which one is the correct conjunction to complete this sentence i plan to take my vacation dash in june dash in july so the correct answer for this question is option b that is either in june or in july सो so, मैंने अपनी प्लानिंग की है वेकेशंस की या तो जून में या फिर जुलाई में नॉट ऑन नॉट एन बट नहीं आएगा वैसे जैसे देखा जाए अगर आप इसको पुट करोगे आई प्लान टू टेक माय वेकेशन नॉट इन जून एंड सॉरी नॉट इन जून बट इन जुलाई बट यहाँ पर जो कंजक्शन uh, है वो इनकम्प्लीट है हमेशा हम यूज़ करते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो तो अगर सेंटेंस में नॉट ओनली होता और बट ऑल्सो होता तब हम यूज़ करते ठीक है नेक्स्ट इज आर्टिकल्स आर्टिकल्स से पांच क्वेश्चन लास्ट फाइव क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स आई एम फाउंड ऑफ डैश क्लासिकल म्यूजिक सो फाउंड ऑफ ये मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन प्रोवाइड किया है आई थिंक फाउंड ऑफ के साथ हम कभी भी आर्टिकल्स यूज नहीं करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा नो आर्टिकल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर आई एम फाउंड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक दैट्स इट क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन देयर इज डैश इंस्टीट्यूशन फॉर डैश ब्लाइंड इन द सिटी सो देयर इज इंस्टीट्यूशन अब जो आर्टिकल्स को चेक करने की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइक like आपको कन्फ्यूजन हो रहा है ए यूज़ होगा या एन यूज़ होगा तो हमेशा अगर ये देखो कि जैसे हिंदी का अगर स्वर आ रहा है आ से लेकर अंग तक जो भी है स्टार्टिंग के जो पाँच छः व्यंजन हैं जिन्हें हम व्यंजन सॉरी स्वर बोलते हैं है ना तो अगर वो यूज़ हो रहे हैं तो हम हमेशा एन का यूज़ करेंगे जैसे जैसे आउल ऊ आ रहा है ठीक है आउल ऐसे ही देयर इज़ एन इंस्टीट्यूशन वैसे भी ए ई -E आई ओ यू इसमें तो क्लियर समझ में आ रहा है तो देयर इज एन इंस्टीट्यूशन देयर वाओ कितनी अच्छी हैंड राइटिंग है सो देयर इज एन इंस्टीट्यूशन फॉर द ब्लाइंड इन द सिटी सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर देयर इज़ एन इंस्टीट्यूशन फॉर द ब्लाइंड इन द सिटी स्पेशली फॉर द ब्लाइंड ना जो ब्लाइंड है स्पेशली उनके लिए इसलिए द डेफिनेट आर्टिकल्स यूज़ किया है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट डैश कैमल इज द शेप ऑफ द डेजर्ट सो पर्टिकुलर हम कैमल की बात कर रहे हैं इसलिए यहां पर हम यूज करेंगे द द कैमल इज द शेप ऑफ द डेजर्ट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन डैश मैन इज मॉटल डैश मैन इज मॉटल इसमें कोई आर्टिकल हम यूज़ नहीं करेंगे मैन इज मॉटल दैट्स एट सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ये आपको लर्न करने होंगे कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं वैसे ये तो आपको एक्सरसाइज में भी मिल जाएंगे काफ़ी है ना सो मैन इज मॉटल ये सिंपल है लास्ट क्वेश्चन कॉपर इज डैश बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉपर इज बेस्ट के साथ हम पहले हमेशा द आर्टिकल यूज करते हैं ठीक है so सो यहाँ पर आ जाएगा द कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो लास्ट वन यू हैव टू आंसर बाई योर सेल्फ शी रिटर्न आफ्टर डैश आर और जो लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन था सी एच सी एल थ्री करेक्ट आंसर है उसका जो आयनिक आयन नहीं फॉर्म करेंगे है ना ऐसे मॉलिक्यूल या कंपाउंड पूछा था कंपाउंड सॉरी जो आयन नहीं फॉर्म करेंगे दैट इज सी एच सी एल थ्री सो इसका यू हैव टू आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स क्वेश्चन नंबर फोर फिफ्टी वन सो दिस इज़ आंड ऑफ द वीडियो ऑफ इंग्लिश मॉक टेस्ट विद फिफ्टी क्वेश्चन होप यू लाइक दिस वीडियो एंड ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे अगर पसंद आएँ तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस चैनल एज मच एज पॉसिबल सो दैट वी कैन रीच टू अ न्यू हाइट थैंक यू सो मच